हर चीज में आते हैं, हर इवेंट में आते हैं, हर एक्टिविटी में आते हैं और मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार देकर जाते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट, अभी जगह है यहाँ आकर बैठेंगे, यहाँ पे खूब सारी दारू पियेंगे, हुक्का पियेंगे, एंजॉय करेंगे। सो प्लीज एंजॉय, थैंक यू, थैंक यू सो मच मिस्टर करण सिंह। खासतौर पे मुंबई जैसे शहर में बहुत कम रूफटॉप जगहें हैं जो जो अच्छी हैं, और सबर्ब्स में तो आई थिंक ये पहली जगह है बिकॉज़ बाकी जो रूफटॉप्स हैं वो सारे टाउन हैं। तो जब भी हमें कभी अच्छी हवा का मज़ा लेना होता था, अच्छे वेदर का मज़ा लेना होता था, तो हम बहुत दूर जाया करते थे। लेकिन प्लस पॉइंट इस जगह का ये है कि एक तो मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो घर है वो एकदम वॉकिंग भी नहीं है, मैं तो मतलब ऐसे डालूं और सीधा करके आ जाऊं इधर, तो मेरे तो घर के एकदम बाजू में ही है ये। अच्छी जगह बनाई है, आई होप कि यहाँ पे पार्टीज या गेट टुगेदर्स भी बहुत अच्छी हैं। सर ये भी कहना चाहूँगा कि भाई यार वो लुक ना कैमरे में नहीं दी जाती है, सीधा आंखों में लाइट पड़ती है। सर ये बोल रहा हूँ, ऐसा सेलिब्रिटी आपके पास टाइम काफ़ी कम मिलता है, शूट में बिजी रहते होंगे, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो कौन सा प्रेफरेंशियल जगह है आपका मुंबई में, हॉटस्पॉट कौन सा है आपका? देखिए मेरे लिए जगह मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरी कंपनी वो ज़्यादा मैटर करती है। एरिया कोई भी हो, जगह कोई भी हो, खाना किसी भी तरह का हो, एज लॉन्ग एज माय फ्रेंड्स आर विद मी आई एंजॉय दैट मोमेंट। सर ये भी कहना चाहूँगा मतलब लुक चेंज की है मेरे पास, एक मिनट लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब दोनों भाइयों ने कुछ अलग करने वाले हैं उतरन के दोनों भाई। देखिए मेरा मानना है कि इंसान स्पेशली एक एक्टर को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा नया लुक ट्राई करते रहना चाहिए, यू नेवर नो बिकॉज। और मेरा तो खास तौर पे एक ऐसा लुक रह चुका है जो
दिलों पे, दिमाग पर और आंखों में ऐसा छा गया था वो लुक कि मैंने कहा इट्स हाई टाइम आई नीड टू चेंज माई लुक एंड आई होप आई एम लुकिंग नाइस एंड डिफरेंट। तो ये लुक इसीलिए है कि कुछ नया करें, कुछ नए किरदार में करें और बहुत जल्द करें। अभी एक साइबर अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, वो मेरे पता नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे उसकी न्यूज़ काफ़ी देखी है, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बट आई डोंट नो, बेसिक चीज़ें होती हैं, कभी भी अनोन मैसेज को या ईमेल को कभी भी खोलना नहीं चाहिए अनलेस एंड अंटिल आप जानते नहीं कि वो कहाँ से है। तो अगर ये बेसिक चीज़ें वो अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आई थिंक आप ख्याल रखा जा सकता है। ये भी कहना चाहूँगा, यू आर पार्ट ऑफ द मेजर शोज में लीड रोल किए हैं, आज के दौर में इतनी सारी शोज हैं, कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया और कितना जेन्यून हो गया है एक अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करना दर्शकों को? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो राइटर्स नहीं है और मैं राइटिंग को बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ, क्योंकि मैंने जो पिछले आज तक जितने भी काम किए वो अच्छी राइटिंग, अच्छे डायलॉग्स, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के खिलाफ काम करके, बट आज की डेट में उन राइटर्स की थोड़ी कमी हो गई है, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल शोज आते हैं, बहुत जल्द आके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन लंबी रेस के घोड़े वही होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों। बस ये है कि हाँ, कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, बट ये है, अपने आप को फिट रखो, अपने आप को उस लेवल पर रखो कि कल को कभी भी किसी भी रोल में ढलना हो तो आपके लिए मुश्किल ना हो, आसानी हो। मेरे ख्याल से पार्टीज आर ऑलवेज नाइस और रूफ टॉप रेस्टोरेंट है तो यू नो खुले आसमान के नीचे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाजू में यहाँ पर पूल है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस और आप लोगों को सब ऐसी जगहों पर आके ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यूजली जो मुंबई में जगहें होती हैं वो सारी की सारी बंद होती हैं, हम चार दीवारी में पार्टी करते हैं, अंदर जोर से म्यूजिक बजता है, लेकिन ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ पर ऐसे खुले आसमान के नीचे आप लोग आके एंजॉय कर सकते हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपके छोटे भाई खुराना साहब ने बोला कि गैप से वॉकिंग डिस्टेंस है, हमें दिक्कत नहीं होगी दूर जाने। पहली बात तो बताओ, ये खुराना छोटा भाई कब से हो गया? नाइट पार्टी में कितना एंजॉय करते हैं? आई थिंक इट्स ऑलवेज फन। कुछ साल पहले तक यू नो ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता था, क्योंकि उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम थी और यू नो पूरी पूरी रात पार्टी करते थे, इन्जॉय करते थे। अब थोड़ा सा काम की तरफ ध्यान ज़्यादा है तो इन्जॉय ज़रूर करते हैं, बट टाइम पर घर जाना अब जरूरी हो गया। अभी खेल की बात करें, क्या तैयारी चल रही है आजकल? खेल तो अभी बीस खेल शुरू होने वाला है और मेरी टीम फिर से एक्शन में आने वाली है, गुजरात की टीम है अहमदाबाद एक्सप्रेस, तो सारे प्लेयर्स मोस्टली लॉक हो गए हैं एंड वी आर होपिंग टू विन दिस सीजन। अभी फिलहाल तो मैं अपने प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा हूँ और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं जो लाइंड अप है मेरे खुद के एक्टिंग के लिए, सो प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको अभी ज़्यादा नहीं बता सकता, जैसे जैसे हम अनाउंस करेंगे तो वील लेट यू नो, बट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स देयर आर टू शॉर्ट फिल्म्स दैट आई एम प्लानिंग टू डू, सो यस होपफुली इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स यू विल सी मी इन टू शॉर्ट फिल्म्स। साइट अभी हैक हो गई है, डिटेल्स वगैरह की जो आजकल वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि इट्स सैड कि ऐसी हैकिंग हुई है एंड इट्स अ मैसिव मैसिव अटैक ऑन द एंटायर इंडिया, एंटायर वर्ल्ड, और अपने क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन जो भी बैंकिंग है थोड़ा सोच समझ के कीजिए, कौन सी साइट पे आप जा रहे हैं, किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। सो बिकॉज पिछले 2 दिन से पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा पैसे का कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है एंड थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि कैश विड्रॉ करने से भी मुझे डर लग रहा है ATMs में जाके, सो यस मे बी अनदर डे ऑर सो एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड। आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है दिन भर शूटिंग में रहते हैं, रात को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है थोड़ा सा, सिर्फ आर्टिस्ट लिए नहीं, मेरे ख्याल से सबकी मुश्किल है और हमारे शूटिंग वाले बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं जो कि डेली वेजेस में देने पड़ते हैं एंड कैश विड्रॉ करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, आपको बैंक जाना पड़ता है और बैंकिंग आवर्स जब तक शूट खत्म होता है तब तक बैंक सारे बंद हो जाते हैं, सो इट डज गेट अ लिटिल डिफिकल्ट, बट आई थिंक इन अ डे और सो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।